नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धार में ईद मिलादुन नबी को लेकर धार में वर्ग विशेष के सैकड़ों युवकों द्वारा जबरन जुलूस निकालने की बात को लेकर उग्र भीड़ का पुलिस से विवाद की स्थिति बन गई, जिसमें मोहन टॉकेज और पुरानी नगर पालिका क्षेत्र पिंजारवाड़ी में बड़ी संख्या में जुलूस निकालने के लिए एकत्रित हुए युवकों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई करना शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग करते हुए उग्र भीड़ को वहां से लाठीचार्ज कर खदेड़ा। इस दौरान धार के अन्य इलाकों से भी वर्ग विशेष के सैकड़ों युवक अलग अलग जगहों में एकत्रित होकर एक जुलूस की शक्ल लेकर मोहन टॉकेज चौराहा पहुंचे, जहां से हटवारा, पीपली बाजार, आनंद चौपाटी, राजवाड़ा चौपाटी होते हुए नाचो दरवाजा पहुंचे। इस दौरान वर्ग विशेष के युवा उग्रता दिखाते हुए रास्ते पर जमकर नारेबाजी करते रहे और अपने घर से मोबाइल से फोटो वीडियो बना रहे आम लोगों सहित पत्रकारों से भी बदतमीजी की। इस पूरे घटनाक्रम में जुलूस निकालने के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये जो विषय आया है, ये जो एग्रीड पॉइंट था कि सांकेतिक रूप से छोटे मार्ग पे जो सांकेतिक जुलूस रहेगा, उससे जब ये लोग डेविएट करने की कोशिश किया है, तो उसके बाद जो रोकने की कोशिश की है, तो इस पे जो विषय आया है, क्योंकि जो एग्रीड रूट से भटके हैं, जो अदरवाइज किया है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अभी जैसे ही सेटल होता है उसके बाद जिन्होंने भी इसको तोड़ा है नियमों को, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके साथ भी हमला हुआ, पत्थरबाजी की कोशिश की गई? एसपी साहब से अभी बात हुई है, एसपी साहब साथ में ही है, ऐसा कोई विषय नहीं है। जब ये एग्री रूट से भटके थे और वहाँ से जा रहे थे, तब उनसे बातें जरूर हुई। अनुमान था कि इतनी भीड़ हो पाएगी कि हमारे, हमारी जो व्यवस्था थी, व्यवस्था वर्स पॉसिबल को देख के लगाई गई थी, वो व्यवस्था पूरी रही। अभी 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 जैसे ही सेटल हो रहा है मामला, अभी सेटल होते ही कार्रवाई जरूर करेंगे। क्या एग्जैक्टली नहीं हुआ, जो मिलादुल नबी का जुलूस था उसके लिए एक रूट तय किया गया था, लेकिन फिर लोगों की ने कुछ लोगों ने जिद की कि जो परंपरागत रूट है उसी पे उन्हें निकालना है। उसको लेके कुछ शैतानी तत्व हैं, वो उस जुलूस में इन्वॉल्व हुए और उनको वहाँ से खदेड़ा गया। उसके अलावा जो है जुलूस को शांतिपूर्वक निकाला गया और अभी पूरा जुलूस जो है वो डिस्पर्स हो गया है और नगर में शांति। सर, भारी भीड़ थी जुलूस में, जबकि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन भी माना जा रहा है? देखिए, उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो अन्य लोग हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और जो भी है उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है? नहीं, अभी किसी को कोई चोट नहीं। देखिए, अभी चीज़ें, अभी पुलिस जो है काम कर रही है और जैसे आगे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पत्रकारों के साथ भी जो है मोबाइल छीनने की धमकी दी गई है? देखिए, जो भी आप शिकायत कर दीजिए, हम उसको इन्वेस्टिगेशन करके जो सही कार्रवाई है कर देंगे। सर, हर बार त्योहारों के दौरान जो है कम्युनिटी की बैठक ली जाती है, उनको विश्वास में लिया जाता है, इस बार कोई बैठक नहीं की गई है, सीधे अपील की गई है। अपील और आदेश में फर्क होता है। क्या पंचर बनाने वाला, फल चलाने वाला ट्विटर चलाया, फेसबुक चलाया कि भाई उसमें शाम को आप मैसेज डाल देंगे कि कार्यक्रम नहीं होगा, फिर वो कार्यक्रम में नहीं जाए? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही प्रभावी तरीका है कम्युनिकेशन का। कई बार जो बैठक जिसमें कंट्रोल रूम में सिर्फ 50 लोग आते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावी तरीका सोशल मीडिया है। सर, अगर छोटी छोटी एम्बुलेंस का अगर इनॉग्रेशन होता है तो उसका फोटो आप मीडिया को देते हैं, इस बार इस तरह की अपील कोई मीडिया को जनसंपर्क के माध्यम से नहीं दी गई है? आप फेसबुक और ट्विटर के कर रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी ट्विटर से कैसे समझेगी कि जुलूस नहीं निकाल? देखिए, सोशल मीडिया पे और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जो लोग इस कमेटी में भी थे ऑर्गेनाइजिंग, उन सभी को इन्फॉर्म किया गया था और पर्याप्त जो संचार के माध्यम है उससे लोगों को कम्युनिकेट किया गया था। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।